सुनील क्या चल रहा है? कैसे कैसे आवाजें आ रही है पिताजी के कमरे से, तुम उन्हें समझा नहीं सकते? घर में जवान बहू है। मला मायती है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो वो 30 साल से कुंवारे हैं। क्या मतलब? मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। तुम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो यार। यानी वो कुछ भी उल्टी सीधी फिल्में देखते रहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? तुम उनसे जाकर कहते हो या मैं जाकर कहूँ? ठीक है मैं बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो मगर साउंड बंद करके देखो। कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम? मेरे पास आओ अनीता। देखो राज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम राज। प्लीज मुझे परेशान मत करो। Damn it! तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो, डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं अब तक नहीं छुपाया तो आप छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो, ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो, अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो।
मैडम चेहरे पर एक्सप्रेशन लाइए, एक्सप्रेशन, समझी? एकदम डेड फेस है आपका, कुछ कीजिए चेहरे के साथ आप, कम ऑन डू समथिंग, चमक लाइए, चमक कीजिए। ठीक है चलो ओके, अब इसको उतारिए। अरे उतारिए मतलब सिर्फ चश्मे नहीं, वो ड्रेस उतारिए, ड्रेस, हाँ उतारिए। अरे अब मधु की तरफ क्या देख रही हो, है? उससे कुछ नहीं होगा, मधु से कुछ नहीं होगा, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज उतारिए, उतारिए प्लीज। पूरा उतारिए पूरा, मुझे तुम्हारा फिगर देखना है, बॉडी देखना है मुझे तुम्हारी, कम ऑन पैशन चाहिए, कम ऑन उतारिए पूरा, उतारिए। मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम खराब मत कीजिए, अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए आप, इसको उतारिए प्लीज, इसको उतारिए, हाँ उतारिए, या वेरी गुड गुड। अब वो टांग दिखाइए जरा, हाँ टांग को आगे कीजिए, अरे टांग को आगे कीजिए मैडम, टांग को, टांगे टांगे अपनी टांगे दिखाइए, यहाँ ऑडियंस को कुछ दिखाइए प्लीज, कुछ कीजिए कीजिए प्लीज, ऐसे मत खड़े रहिए, कीजिए। क्या 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 कर रही है आप क्या कर रही हैं? क्या सोच रही हो अनीता? मालूम है सच्ची तुम पे बहुत खुश है। दीदी प्लीज मुझे उनका नाम नहीं सुनना है। कमाल है, जो आदमी तुम्हें प्रमोट कर रहा है, तुम पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, तुम्हें टॉप की मॉडल और सिंगर बनाना चाहता है, उसका नाम ना लो ऐसा कैसे चलेगा? दीदी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब भूल जाओ, सिर्फ आगे बढ़ने का लक्ष्य ध्यान में रखो। और हाँ, सर जी ने ये मोबाइल तुम्हें गिफ्ट में दिया है, ले लो ले लो। और एक चीज और, ये रहे तुम्हारे साइनिंग अमाउंट के कुछ रुपए, सर जी ने दिए हैं। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। जिस दौलत के लिए तुम ये सब कर रही हो उसी दौलत को ठुकरा रही हो? बच्चों जैसी बातें मत करो नीता, कल शाम 4 बजे सर जी के पास चले जाना। लेकिन दीदी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। वो तुम्हें कुछ क्लाइंट से मिलवाना चाहते हैं, वो क्लाइंट तुम्हें पर्सनली देखना चाहते हैं, ओके? कल शाम 4 बजे। आइए आइए। खुदा झूठ ना बुलवाए, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई है। आइए मैं आपको अपने क्लाइंटों से मिलवाता हूँ। सर जी कहाँ हैं? खुदा झूठ ना बुलवाए, आ जाएंगे आ जाएंगे। खुदा झूठ ना बुलवाए, कोई बहुत ही जरूरी काम में बिजी हैं। तब तक मैं आपको अपने क्लाइंटों से मिलवाता हूँ। ये है आरके ठाकुर, खुदा झूठ ना बुलवाए, क्राइम ब्रांच के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। क्राइम करने वालों पर हाथ पैर आजमाने की इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। खुदा झूठ ना बुलवाए, जिस पर नजर टेढ़ी कर देते ना वो क्राइम करना ही छोड़ देता है। और वो है मिस्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता। इनका नया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में धूम मचा रहा है। खुदा झूठ ना बुलवाए, चुस्की नाम के इनके सॉफ्ट ड्रिंक को लोग बड़े मजे से चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। ये है दुबई के अब्दुल सत्तार। सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, कैसे हैं? खुदा झूठ ना बुलवाए, इन्होंने अंडरवर्ल्ड तौबा 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 तौबा, कमबख्त जबान फिसल जाती है, इन्होंने इन्होंने अंडर गारमेंट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। खुदा झूठ ना बुलवाए, ये चड्डी और ब्रा सब बनाते हैं। समझ रही है ना? ये है कांति भाई ज्वेलर, सोने और चांदी की खानों के बेताज बादशाह।
सुधा झूठ ना बुलवाए, तुम्हें सोने और चांदी से लाद देंगे। कार्तिक भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये बहुत अच्छा गाती है। अरे भाया, तुमने तो लोगों के मुंह से सुना है। है कि नहीं? मैंने तो अपने कानों से इसे गाते सुना है और देखो भी है। है कि नहीं? और वैसे ये हमारी दुकान में आवे और जावे। है कि नहीं? भाई कमाल है, खूबसूरत चेहरे पे ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और हम लोगों ने ऐसी कोई गुस्ताखी की नहीं है जो आप इतनी नाराज हो रही हैं। हमारा मतलब है डांस वांस हो जाए, हम सब लोग मिलकर नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। हो जाए बिंदास, बिंदास, कम ऑन। आप लोग फिकर मत कीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, अनीता जी आप लोगों का दिल नहीं तोड़ेंगी। थोड़ी दारू पी लीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, झिझक दूर हो जाएगी। नहीं शराब नहीं पीती। जाने दीजिए, मजा आ जाएगा कसम से। अच्छा भाई, जाने दीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, थोड़ी सी रह गई, पी ले। हेलो सुनील, राज बोल रहा हूँ। बोलो। अनर्थ हो गया यार। क्या? मेरे बाऊची इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या तुम अनीता को बुला दोगे प्लीज? हाँ हाँ, एक मिनट, अभी मैं बुलाता हूँ। ताला लगा हुआ है? अरे क्या बात कर रहा है यार, प्लीज जरा देखो आसपास के कोई घर में गई होगी। मुझे अनीता की बहुत जरूरत है यार, प्लीज। मैं होल्ड करता हूं। हेलो राजबाबू, मैंने भाभी को सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। ठीक है सुनील, अनीता आ जाए तो प्लीज उससे कहना कि मुझे फौरन फोन करे। ओके okay.